अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये ई रिक्शा के ड्रम के अंदर से बहुत आवाज़ आ रहा है, तो ये आवाज़ किसका है उसको देखना पड़ेगा कि ड्रम के अंदर कुछ टूटा हुआ है या इसका बेयरिंग टूट गया, ये देखना पड़ेगा। बाहर से तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब गाड़ी चला रहा हूँ खटखट करके आवाज़ आ रहा है, तो इसको पहले खोलता हूँ उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। चलिए ये चारों नाक को पहले कस लेते हैं। फिर ड्रम को ओपन करते हैं। चलिए इसका ड्रम तो ओपन हो गया, अब अंदर कुछ है क्या देखता हूँ। इसके अंदर तो कुछ नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक्स का प्रॉब्लम या दूसरे कुछ का नहीं है, लेकिन इसका जो बेयरिंग है वो थोड़ा हिल रहा है। इसका मतलब है कि बेयरिंग टूट गया होगा अंदर। इसका जो एक्सेल है वो हिल रहा है इधर उधर, देखिए आपको मालूम पड़ेगा। देखिए थोड़ा करीब से देखिए तो मालूम पड़ेगा इसका बेयरिंग टूट गया होगा। तो एक्सेल को खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सही में क्या हुआ। तो चलिए लॉक को खोल लेते हैं पहले, उसके बाद काजू पत्ती को भी निकाल लेते हैं। ये बहुत दिन से खुला नहीं, इसलिए बहुत जाम है। अब ब्रेक्सों को भी निकाल लेते हैं। ये सब के बारे में वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ, ब्रेक्सों को कैसे फिटिंग करना है, उसके बाद ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, ये सब वीडियो बना चुका हूँ। तो ये सब के बारे में देखना है तो मेरे पहले वाला वीडियो देख सकते हो आप। ये एक्सेल खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये सब भी दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे पहले वाले वीडियो में मालूम पड़ेगा ड्रम कैसे खोलते हैं, ब्रेक्सों कैसे फिटिंग करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो चलिए एक्सेल को खोलने के लिए ये चारों नाट को खोल देना है। ये जो चारों नाट है एक्सेल को खोलने के लिए, ये चारों नाट को पहले खोलना है तभी एक्सेल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये चारों नाट को पहले ओपन कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी निकाल दिया, अब एक्सेल को निकाल सकते हैं आराम से। एक्सेल निकालने के लिए मैं एक कूलर बनाया, इसमें आप आसानी से एक्सेल को निकाल सकते हैं। एक्सेल जो निकालने के लिए जो कूलर खरीदने को मिलता है वो महंगा है और उसमें सही से काम भी नहीं होता है, लेकिन इसमें आप हथौड़ा का दो हथौड़ा मारोगे इसमें तो निकल जाएगा एक्सेल, ऐसा करके दो बार मारने से ही निकल जाता है। एक्सेल थोड़ा टाइट है इसलिए तीन चार मारना पड़ रहा है, लेकिन आपका जब एक्सेल अगर ऐसे ही ढीला रहेगा थोड़ा बहुत तो एक दो मारने से ही निकल जाता है। देखिए किस तरह आसानी से निकल गया। ये मैं खुद बनाया ये वाला कूलर, तो आप खुद बना सकते हो ऐसा करके। एक्सेल निकालने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है ये। तो देखिए किस तरह हिल रहा है। तो ये बेयरिंग खोल के मैं देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो बेयरिंग टूट गया, इसका जो बेयरिंग का अंदर जो रिंग है वो टूट गया, देखिए आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं चेंज करके नया बेयरिंग लगाने वाला हूँ। तो ये वाला बेयरिंग लगा दिया मैं, तो इसका फिटिंग करने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से इसको अंदर घुसा दीजिए,
बियरिंग घुसाने के लिए जो छोटा वाला हाइड्रोली है टूटा हुआ, ऐसा ही हाइड्रोली होना चाहिए। अगर ऐसा होएगा तो बहुत अच्छी तरह से बियरिंग घुसता है, तुम की बोलो नहीं तो दूसरे चीज से ठोकने से बियरिंग खराब भी हो सकता है। तो अब मैं इसको भी लगा देता हूँ, जो चारों नट है वो नट को कसना है अभी, तो ये फिटिंग हो जाएगा। ये जो चारों नाट है इसको अच्छी तरह से कसना है, नहीं तो ये बहुत सारी रिक्शे में देखा थोड़ा ढीला छोड़ने से नट खुल जाता है, फिर ब्रेक सो अटक जाता है उसमें। तो ये चारों नाट को अच्छी तरह से कस दीजिए ताकि ढीला ना रहे। चलिए इसको तो अच्छी तरह से कस दिया, अब इसका ब्रेक्सो में थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं ताकि ब्रेक्सो अच्छी तरह से काम हो करे। তোমার এই বিয়ারিংটা কি কারণে খটখট করছে বা গজিছে একবার দেখি একটু। কোনটা? ওইটা। ব্রেক্সো में भी थोड़ा लगा दे रहा हूं ग्रीस। चलिए अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से बिठा लीजिए इसको, अब इसको एक बार ड्रम लगा के चेक करता हूँ कि कहीं पे सट रहा है कि नहीं। नहीं, आराम से घुस गया भाई और बहुत अच्छा फिटिंग आया। तो काजू पत्ती लॉक ये सब लगा लेता हूँ, उसके बाद ड्रम घुसाऊंगा। फिर चलिए काजू पत्ती को लगा लेता हूँ पहले, अब इसका जो लॉक है उसको लगा रहा हूँ। तो चलिए अब ड्रम को फिटिंग कर लेता हूँ। थोड़ा हाथोड़ा से मार के इसको सही से बिठा लेता हूँ। देखिए कितना अच्छी तरह से घूम रहा है। अब इसका जो एक्सेल वाला नाट है मोटा वाला उसको लगा देता हूँ। उसके अंदर पहले जो वॉशर था उसको लगा दिया, फिर नट को लगा रहा हूँ। उसको कस दिया, उसके बाद अब क्या और तो कुछ काम है नहीं इसमें। अब इसका चक्का जो है हुई उसको लगाना है, और जो हिट का व्हील का चारों नट है उसको कस देना है अभी। तो ऐसे करके ही आप अपने ई रिक्शा का जो बियरिंग है उसको भी चेंज कर सकते हो, और आपका जो एक्सेल है उसको भी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही एक ही प्रोसेस से दोनों काम कर सकते हो आप। अगर एक्सेल ख़राब होगा तो एक्सेल चेंज कर सकते हो, और बियरिंग ख़राब होगा तो बियरिंग भी चेंज कर सकते हो। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।